हेलो, तुम्हारा बेटा मेरे पास है। अगर अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो आज 5 बजे सिटी पार्क के पिछली वाली बिल्डिंग के पास आ जा। मेरा बेटा, भाई साहब, ये आवाज कैसी आ रही है? आप सबके बच्चे मेरे पास हैं, और अगर आप अपने बच्चों की सलामती चाहते हैं तो आप लोगों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, कोई बात नहीं। आप अपने अपने मोबाइल फोन्स निकाल लीजिए, और आप लोगों को मेरे साथ एक प्रॉमिस भी करना होगा। आप सीधा बिल्डिंग की ओर आ जाए। हाँ, इसे रखते हैं और सीधा बिल्डिंग की ओर आ जाए। वहां गए आप लोग? राजू, तुम? राजू, तुम यहां क्या कर रहे हो? ये सब मैंने किया सर। ये सब मैंने। लेकिन क्यों? याद कीजिए आप सब लोग, भाजी दूध किचन में रख दो यार। बीबी जी, वो दूध भैया अंदर रख दो। मैडम वो कटा दो यार। बाबू जी, अंदर रख दूं दूध? अरे यार, किचन में रख दो भाई। फोन्स की चकाचौंध ने इन लोगों को अंधा बना दिया है। सोते, जागते, उठते, बैठते, बस फोन्स ही फोन्स। खुद की क्या, अपने बच्चों की फिक्र तक नहीं। उनको भी मोबाइल फोन्स का आदि बना दिया है इन्होंने। वो भी अब मोबाइल के बिना पल भर नहीं रहते। वो करें भी तो क्या करें। बच्चों को तो हम वक्त देते नहीं, उनके साथ खेलते नहीं, पर शायद अपनों के खोने का डर इनको इससे थोड़ा दूर रखे। सेव योर चाइल्ड प्लीज। आइए मिलते हैं बच्चों से। अब तो आपके बच्चे आपको मिल गए। ना जाने कहां गुम से हो गए हैं वो खेल और खिलौने। ना जाने किसने हाथों में थमाए हैं ये औजार घिनौने। छीन लिया बचपन जिन्होंने, छीन ली मासूमियत जिन्होंने। कहां गया वो एक साथ झूला झूलना, वो खुली हवा में सांस लेना। कुछ तो सोचिए, संभल जाइए। ये नन्हे भूल इन डिजिटल गैजेट्स की रोशनी से मुरझा रहे हैं। बनावटी किरदारों से जुड़कर अपनों से ही दूर होते जा रहे हैं।